अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिफिला डूइंग वेरी वेल। मैं बिल्कुल ठीक है, आपको शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग, एंड सुबह क्या हो गई, दोपहर ही हो गई है। सो मैंने यहाँ पे नहा लिया, कपड़े थोड़े गंदे हो रहे थे बिकॉज उसने कल सुसु कर दिया था, तो वो मेरे ऊपर कपड़ों पर छींटे पड़ गई थी, तो मैंने कहा चलो अब नमाज वगैरह कर दी, नहा देते हैं, इसको भी नहला दिया है। और कल रात को मैं और अब्दुल्ला गए थे, ऐसे बाहर निकले थे आहट को चक्कर वगैरह लगवाने, तो अब्दुल्ला का दिल किया कि कुछ खा लेते हैं, अभी तो उनका मुंह का टेस्ट दो तीन दिन से बीमार है तो खराब हो रहा था, तो कहने लगे कि कुछ खा लेते हैं, पर हमें कोई जगह ही नहीं मिलती थी कि कहाँ खाए। 1.5 घंटा घूमने के बाद हमें एक जगह मिली जहाँ पे हमने बैठ के बारबेक्यू खाया। बेसिकली हम लोगों ने बहुत जगह का बारबेक्यू ट्राई किया, लेकिन उनका खाने का दिल नहीं कर रहा था बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो थोड़े से चस्के के लिए आप 2-2.5 हज़ार लगा दो वो बेस्ट है। तो इस वजह से हमने जो है वहां से बारबेक्यू खाया, एक न्यू जगह थी वहां से खाया। तो उसके मैंने छोटे छोटे क्लिप्स है, पहले आप वो देखें, तब तक मैं नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है? आहत और आप दूध पियो, मैं नमाज पढ़ती हूँ, आप वो क्लिप्स देखें कि हमने रात को क्या खाया, कहाँ से खाया और क्या था, ठीक है? और मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट में प्यारा से कमेंट कर दें। मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, आप जल्दी जल्दी से जाके देखें वीडियो। रश हो रहा, रश आज भी बट रहे हैं भाई, अभी भी बट रहे हैं। आइसक्रीम नहीं है, दीज आर द पेस्ट्रीज। मुझे एक चम्मच मिलेगा? हाँ, एक छोटा स्पून दे। फाइनली 2 घंटे के बाद हम एक जगह पे बैठे हैं कुछ खाने के लिए, चिकन टिक्के और बारबेक्यू घूम घूमने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या। और आहत का ही वांट पेस्ट्री, कह रहा आइसक्रीम है, मैं कहा पेस्ट्री है, ये खा लो। मैं खैर वो चम्मच ले आ रहे हैं, वो स्पून ला रहे हैं। या ये इससे टिश्यू से साफ करो, साफ ही है भाई, क्या है, मुझे गंदा लग रहा है, इसको खिला दो। भूख लग रही है मेरे बेटे को। ईट, हैप्पी बर्थडे टू यू, वाओ इज इट यम्मी बेबी, इज इट यम्मी, यम्मी यम्मी मम्मी। हाँ, दो नान बस। और अब्दुल्ला कितनी देर घूमने के बाद आपको मिली है जगह? हम सोच के नहीं निकले, लेकिन आपने ये तो सोचा हुआ था कि आपने बारबेक्यू खाना है। अच्छा, बेसिकली हम ये था कि हम लोग कहीं दूर नहीं जाके बैठना चाह रहे, मतलब घूमने किसी एक्सपेंसिव जगह पे, तो लग रहा है ये भी कुछ एक्सपेंसिव पड़ेगा। खिला तो ना यार आप उसको पेस्ट्री, उनका दिल कर इस टाइम। वो देखो वो देखो, यम्मी, सारे केक मुंह में लग गया, मैंने अपने लिए लिखी, मम्मा ने पेस्ट्री आइसक्रीम। और मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले हाथ धोया, ठीक है? इस लड़के ने पोटी कर दी थी और वो मैंने रोड पे चेंज किया है। ये आपने पोटी की थी, मैंने रोड पे चेंज किया है, गाड़ी की डिग्गी पे इसको लिटा कर इसका पैम्पर चेंज किया है। एक जगह से हमने पैम्पर लिया, एक पैम्पर जिंदगी में पहले तो एक पैम्पर लिया और इसका पैम्पर चेंज करवाया, अंधेरे में गाड़ी बाइक खड़ी कर, और अब बाकी यहाँ पे हाथ धोए हैं, खाना खाएंगे और ठीक है। रोहा, हाँ तो खिला दो यार, उसको भूख लगी हुई है, उसने और तो कुछ खाना ही नहीं, मैंने इसलिए कहा खा लो, चम्मच मंगवाया। वाओ, सो यम्मी, सो टेस्टी, खा लो, कोई बात नहीं, बचेगी तो मम्मा खा लेगी। ये ना एक मट की एक पेस्ट्री थी और एक इसके साथ किट कैट वाली थी, ये दोनों तब 90-90 रुपए की आती थी और ये इतनी बड़ी पेस्ट्री होती थी, इतनी बड़ी साइज में होती थी, अभी इतनी छोटी कर दी और 200 रुपए की कर दी है हमने, बड़ी स्कूल में मंगा मंगा के खाई है। वो देखो, वो देखो, हाथ गंदे, खाने दो, कपड़े तो चेंज होने ही है इसके।
खाने तो जैसे वो खा रहा है, अच्छी बात, अपने हाथ से खाएगा या इसको पता चलेगा कैसे खा रहे। कहाँ पे पहले कभी बात भी क्यों खाया उसने, गोटी तो वो खाते ही नहीं है। साथ साथ पानी भी पियो बेटा, थोड़ा रूखा आपको लग रहा, रूख ड्राई नहीं लग रहा केक। मम भी पियो, मम वेट 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 मम्मा बस 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 अब्दुल्ला वहां पे ये आइसक्रीम ले रहा था लेकिन वो बहुत वो वाले थे बड़ी जी। हम इतना घूमे और घूम घूम के फिर हमने ये, मैंने अपने लिए पेस्ट्री ली थी जिसका आहत ने ये हाल किया, सारा खा पी के फारिग हो गया। अब्दुल्ला की पेस्ट्री वो पड़ी है और मैंने अपने लिए ली थी क्योंकि ये बंद हो जाता था। आज मैंने एक बड़ी देर बाद पेस्ट्री लिया और इसने सारी खा भी लिया। ये खाओगे तो कितने मजे किया, थोड़ी सी खाओ, थोड़ी सी बची है। बड़ा रही था लेकिन हम फिरे थे 2 घंटे ना। हम कब निकले थे, क्या टाइम हुआ? 11:48, 12 बजने वाले हो गए, 12:15 हो गए। हम 10:30 निकले थे, तकरीबन 2 घंटे हो गए। और फिर जाके हमने डिसाइड किया कि हमने यहाँ पे बैठ के खाना है। 2 घंटे बाइक पे फिरे हैं और उस चक्कर में मेरे बेचारे बेटे ने पोटी भी कर दी थी और पोटी लीक भी। ये सेकंड टाइम है कि हमने इसका रोड पे वेपर चेंज किया। तब हम वहाँ गए थे आइसक्रीम खाने के बाद। ये नेपलेट्स हैं, मुझे तो लगा ये कुछ और है। मम्मी यम्मी है, इसके ऊपर जो मसाला इन्होंने डाला हुआ ना ये अच्छा है, चस्का है ना इसका, ये इसलिए इन्होंने पर्दे डाले। कितने का ये नब्बे? 300 रुपए के ये सारे हैं? नहीं, 300 वाले का एक पाव, 1500 का एक पाव, तो 600 रुपए का। 600 रुपए 1500 पर आप लगाओ। हाँ, 4 में 3 आता है तो 15 चौके 15 का 4 है, चौथा हिस्सा है, 400-500 रुपए का तो होगा। 3×5=15 तो ये 500, 550, 600 का है। और क्या क्या मंगवाया आपने, कैसा है? जूसी भी है और टेस्ट भी है, मजे का। और क्या मंगवाया? 9 घंटे हो रहे हैं, ज़्यादा ही चीजें मंगवा रहे हैं। पहले उनको को प्लेट भी दो ना यार। ऐसे कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? आगे इसको को प्लेट्स भी दे दे, हमें प्लेट्स भी दे दे। हाँ प्लेट्स, आपने नहीं पीनी जूस, जूस जूस देख के फौरन से आपका मुंह आ गया, राले टपक गए। जो भाई कैसे लग रहा है, वो नहीं होता स्टेक्स की तरह का लग रहा है ना, स्टेक्स ऐसे खाने के। हमने खाना खा लिया, खाना खा लिया कि आप बचा भी दिया ये खाना में। ये हमारा चिकन का मलाई पीस मंगवाया था हमने, ये नेबलेट्स थे, मखनी नेबलेट्स और कबाब था। एंड इन सब में ये मखनी नेबलेट्स बहुत मजे के थे, हमने तकरीबन 1 पाव मखनी नेबलेट्स मंगवाए थे। उसमें से देखा तो 2 या 3 बचे लेकिन यहाँ पर आ गया वो बर्थेड हो गया। 550-600 रुपए मुझे पता नहीं, अब बताएंगे तो बताएंगे। मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म करूंगी, ये पैक करवाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। आप
आपने अपनी पेस्ट्री खा ली, आहत की नहीं थी, मेरी पेस्ट्री थी नहीं, क्रेविंग हो रही थी तो मैंने खा लो खा ली. पकड़ो आराम, सही से पकड़ो, सही से पकड़ो, पेस्ट्री है, दिस इज द पेस्ट्री. 3 बजे तक हम होते हैं, 2-3 बजे तक, किसी टाइम रात को भूख लगे आ जाओ यहाँ पे ऑर्डर दे दो. क्या चलो जी, होप आपने जो है वो चीजें देख ली होगी. मैंने नमाज पढ़ ली थी और नमाज के साथ साथ मैंने जो है ना क्या नाम है, दाल भी पका ली है, मूंग मसूर की दाल पकाई है. कल भी वैसे दाल खाई थी लेकिन वो बाहर की दाल थी, हलीम थी, और आज जो है मैंने अपने हाथ की दाल पकाई है क्योंकि मेरा बेटा शौक से खाता है, तो अगर खाना इसकी पसंद का ना हो तो फिर ये खाना नहीं खाता. तो इसको शोरबा, दालें और वो जो गीली गीली चीजें होती है ना, ग्रेवी ग्रेवी वाली, वो जिसमें आराम से रोटी दिल हल्की सी हो जाए, क्योंकि इसने सिर्फ टच करना होता है उसमें इसको टेस्ट भी चाहिए होता है, तो सूखा सारा नहीं खाता. क्योंकि कीमा पका था, इसने रोटी नहीं खाई थी, तो मैंने इसके लिए फिर दाल पका ली. अब दाल के साथ रोटी खाएंगे, बिना अपने लिए और इसके लिए रोटी बनाऊंगी. ये कपड़े कल धोए थे, कपड़े रोज ही मैं धो लेती हूँ, एक आधा भूख लगा लेती हूँ क्योंकि वो फिर आसानी होती है, कपड़े धो के सूख गए थे, अभी इसे तय लगाऊंगी. और होप आपको वो वाली वीडियो अच्छी लगी होगी जो रात को हमने आपने देखी. ठीक है, तो चलो रोटी छोटी बनाते हैं, इसका दूध भी बॉइल कर लिया, वो भी लेके आते हैं. और रोटी बना के लाए, चलो रोटी बनाए. मम्मा जी कह रहे मम्मा बाल बांध ले, मम्मा, मम्मा पहले बाल बांध देगी फिर जाएंगे रोटी खाने. अच्छा आपको मजा आता है, है? मजा आता है आपको है? वो, ओ, 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 ओ. आ, गिरी नहीं जाना मुझे, इधर आओ चोट दिखाओ, इधर आओ अपनी चोट दिखाओ. कल कहाँ बुबू हुआ था मेरे बेटे को, मेरे बेटे को बुबू कहाँ हुआ था, इधर आओ दिखाओ ना. ओए दिखाओ, चलो आहत बस डांस नहीं, आओ चले आओ रोटी बनाए. चलो रोटी बनाए, रोटी खोलो. चले जी, रोटी छोटी बना लाई थी मैं और यहाँ पे हम सब ने बैठ के रोटी खा भी ली है. हाँ जी, ये मेरा बेटा भी रोटी खा रहा है जी. आपको अच्छी लगती है दाल ना? अरे वाह, इसको दाल पसंद है, इसको शोरबा पसंद है, इसको ग्रेवी वाला सालन पसंद है. शुक्र है अल्लाह का, रोटी खा रहा है आज दाल के साथ. ये कीमा था, अब्दुल्ला ने कीमे के साथ रोटी खाई है, मैंने और आहद ने दाल के साथ खाई है. आहद और साथ साथ टीवी भी देख रहा कार्टून. आओ इधर आओ, रोटी खत्म करो, फिनिश. हम तो खा चुके हैं, फारिक हो चुके हैं. अब्दुल्ला कार के काम भी करने चले गए अपना, और ये जो है कार. जी 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 बेटे जी, हाँ ईट कर लो, करो ईट, नीचे बैठ के बैठो, चीचे सिट डाउन, सिट एंड डांस कर करके नहीं खाते, अल्लाह का शुक्र करते हैं, नीचे बैठो जल्दी से. शाबाश, सारे आपने कपड़े गंदे किए, मम्मा ने अभी आपको पहनाए थे, आपको मैंने कहा भी है इधर बैठ के खाओ. थोड़ी रोटी कम छोटी लो ना, छोटी बाइट लो. वाह जमी है, यमी इज इट यमी. वाह ला मम्मा दे बाइट, मम्मा तोड़ के देने वाला. ये लो मम्मा तोड़ के देती है बेटे को, बड़ा खा लो. चलो जी इसको खाना खिलाते हैं और वीडियो ठीक है जितनी भी बन गई है, मुझे लग रहा है टाइम पूरा हो गया. वीडियो यही एंड करते हैं, इसको खाना खिलाते हैं. होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो सेक्शन. लाइक कर दो, ऐसे ऐसे करो आहत, लाइक डू लाइक दिस, ऐसे प्लीज लाइक दिस एंड प्रेस द बेल आइकन और ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा मुझे. मेरे बेटे को दुआ में याद रखिएगा एंड अपना अपने रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज. प्लीज से अल्लाह हाफिज.
लेट के कभी खाना, लेट के खा रहा है कभी बैठ के खा रहा है।